नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन लग रहा है। जिस तरीके से 4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा था कि बहुत जल्द हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाएंगे, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कचरा जो है वो इकट्ठा रहा और ये कहीं पर भी इसको ना तो जलाया जा सक रहा है ना इसको रीयूज कर पा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ये कचरा जो है एक जगह पर डंप होता चला जा रहा है, जिसके वजह से हमारे क्लाइमेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फल वाले हैं, चाहे अगर हम बात करेंगे जूस वाले, ये सभी लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये लोग एक बार प्लास्टिक में दे करके सामान को बेच देते हैं और ग्राहक फिर इसको फेंक भी देते हैं, चूँकि यूज़ नहीं आता है। तो हम लोग एक बार दुकानदार से भी बात करेंगे कि कितनी परेशानी होगी। सर, ये प्लास्टिक बैन होने जा रहा है, बंद हो जाएगा, कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी है। काशी में दे ठोंगे वाला पौधे फट जाएगा बरसात के टाइम में। काशी में झोला लेकर भी ना करे, कोई झोला लेकर ना आता है, झोला लेकर के कोई नहीं आता, सब ऐसा ही पॉलिथीन खोजता, पॉलिथीन ना चले तो फिर दिक्कत होगा। हम लोग और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर कितनी परेशानी जो है वो लोगों को आएगी, कितनी परेशानी आएगी प्लास्टिक बंद होने जा रहा है। प्लास्टिक बंद होने पर सब लोगों को परेशानी होगी, बेचने वाला सबको भी, फल फ्रूट बेचने वाला लोग को भी। आपको बता दें कि जो हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसमें भी कई सारे पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, और चूँकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन हो जाएगा, उसके वजह से काफ़ी जो है वो परेशानी होगी। हमारे साथ एक सर भी यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बंद होने जा रहा है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं अब बंद हो जाएगा, कितनी परेशानी होगी? ये तो बंद होना चाहिए, तो ये पर्यावरण के लिए तो काफ़ी नुकसानदायक है ही, तो इसका कोई विकल्प तो होगा ही, जो भी गवर्नमेंट बंद कर रही है तो निकालेगी। जिस तरीके से उन्होंने फल वाले ने कहा कि ग्राहक जो है वो अपना थैला लेकर के नहीं आते हैं, तो वहाँ पे परेशानी होती है, और बारिश का समय पेपर का अगर रखेंगे तो वो गल जाता है। नहीं, सभी को चाहिए कि अपना वो घर से थैला लेके आए, थैला लेकर के आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बंद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी ज़रूर होगी शुरुआत में, मगर हमारे क्लाइमेट के लिए, पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बंद होना, चूँकि उसके वजह से सही ढंग से जो बारिश इस महीने तक बारिश जो है वो बेहतर तरीके से हम लोगों को देखने को मिलती है। और राजधानी रांची तो माना ही जाता था, मगर इस बार भी बारिश जो है वो काफ़ी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पर्यावरण को देखते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है। और यहाँ पर भी जो लोग जूस पीते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो ग्लास रखे गए हैं ये सब भी अब बहुत जल्द यहाँ पर बंद हो जाएंगे, और लोग जो है जो सिंपल ग्लासेस है शीशे के उसमें अपना जूस पी सकेंगे। और लाइव लगातार भी ये जनता से ज़रूर अपील करती है कि जल्द से जल्द अपने घरों से, और सारी अगर आप देखिएगा फल जो आप लेने निकलते हैं उस वक्त अपने थैले को अपने साथ लेकर के चले, कि हम लोग अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्द बचा सकें। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।